केवल जो भी बात आ रहा है मोदी जी की गारंटी। अब इनसे बातें होंगी, मोदी जी की गारंटी क्या है और कैसे ये मोदी जी की गारंटी आप लोग कह रहे हैं। क्या नाम होगा सर जी आपका? मैं मुन्ना खरवा, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा। ये आप लोग कैसे आप लोग कह रहे हैं, आपकी सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, महोदय योगी जी कह रहे हैं, जो भी लोग हैं इस बीजेपी के समर्थक सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी और 400 से पार। देखिए फिर एक बार, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी मोदी जी की सरकार बन रही थी। मोदी जी की गारंटी का जहां तक विषय है, ये देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा भारत में न हुआ है न होगा। आज सबको संज्ञान में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी लगातार गांव का अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, इस संगठन के संस्थापक रहे दीनदयाल उपाध्याय, उनकी सोच थी कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, तो अंतिम व्यक्ति के बारे में ये हमारे मोदी और योगी जी सोचने का काम कर रहे हैं। आज मोदी जी और योगी जी, मोदी जी की गारंटी यह है, उनका सपना है कि गांव का अंतिम व्यक्ति जिसके पास घर न हो, जिसके पास नल न हो, जिसके पास जल न हो, जिसके घर में बिजली का कनेक्शन न हो, हर विषय पर अध्ययन करते हुए मोदी जी ने कहा कि हर घर में मुझे नल और जल की व्यवस्था करनी है, लोगों के पास राशन पहुंचानी है, गांव का किसान है किसानों का सम्मान होना चाहिए, यह विषय की गारंटी जो है मोदी जी ने लिया है। नेताजी आप अंतिम व्यक्ति कह रहे हैं, किसको अंतिम व्यक्ति कह रहे हैं? अंतिम व्यक्ति जो असहाय हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, जिसके पास घर न हो, रहने का घर न हो, खाने का भोजन न हो, घर में बिजली का कनेक्शन न हो, घर में गैस न हो, आगे सामने शौचालय न हो, उसके बारे में सोचने का काम यदि किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और यह किया ही नहीं, घर घर में चाहे शौचालय, गैस, पेंशन, सब कुछ फ्री में, राशन सब कुछ पहुंचाने के बाद भी मोदी जी ने कहा है कि कार्यकर्ता बंधुओ उनके घर पर जाओ और घर घर जाकर के मोदी जी को प्रणाम कह देना, कि मोदी जी ने हर घर को प्रणाम किया है कि मोदी जी की गारंटी है 140 करोड़ जनता। अच्छा नेताजी, आप लोग अंतिम व्यक्ति यानी गरीब को कहते हैं, जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास मकान नहीं, जिसके पास शौचालय, कुछ ऐसे गरीब हैं, जब मैं हर इस चैनलों के माध्यम से दिखाते रहते हैं, आज भी गरीब लोग हैं, आज भी प्रदेश में गरीबी है, आज भी लोग गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास एक मकान बनाने के कुछ खेते नहीं है, एकदम निहायत गरीब है, उनको आप आवास कैसे देंगे, शौचालय कैसे देंगे, वो कहाँ बनाएंगे? यह बहुत आपने अच्छा विषय रखा। मैं भी जा करके गांव में भ्रमण किया हूं, देखा हूं, मुझे गर्व कहीं ना कहीं गलानी हुई। जो आपका कहना था, इसके पहले मोदी और योगी के पहले सपा की सरकार इस उत्तर प्रदेश में रही, बसपा की सरकार भी रही है, लेकिन गांव का विकास करने वाला, गांव का विकास करने के लिए एक गांव का प्रधान होता है, गांव का सेक्रेटरी होता है, गांव का लेखपाल होता है, गांव का जिला पंचायत होता है, गांव का विधायक होता है, गांव का सांसद होता है, उनका दिमाग कहाँ था? वो तो सिगरेटरी सुनिए। यदि गांव का प्रधान चाहता तो गांव का विकास होता, गांव का क्षेत्र पंचायत चाहता क्षेत्र में उसके क्षेत्र का विकास होता, विधायक चाहता जितना निधि मिलती है, चाहे सांसद का हो, विधायक का हो, गांव के प्रधान का हो, बीडीसी का हो, गांव के विकास के लिए होता है, लेकिन मिला कहाँ? आप पार्टी का, आप राजनीति करते हो। नेताजी आप कह रहे हैं कि चाहता, वह कह रहा है कि मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि इस समय पोर्टल 3 साल से बंद है, जिससे लोगों को आप पत्रता की सूची में नहीं जोड़ा जा सकता। वह कह रहा है प्रधान जो अंतिम व्यक्ति है, जो प्रथम नागरिक है अपने ग्राम पंचायत का, वह कह रहा है कि मेरे चाहने से भी कुछ हो नहीं सकता, इससे कि सरकार की ये वेबसाइट लाइनें जो है वह बंद है। मैं किस गरीब को, गरीबों का लिस्ट मैंने बनाया है अपने गांव का, और कहां हम ले जाकर उसको चढ़वाएं? मैं कह रहा हूं, ये आपने सही कहा, गांव का प्रधान क्यों नहीं, क्यों कह रहा है ऐसा? इसलिए कि उसके खाते में नहीं जा रहा है,
सीधे केंद्र का पैसा, चाहे शौचालय का हो, आवास का हो, जो भी किसान सम्मान निधि का हो, सीधे उस गरीब के पास जा रहा है। प्रधान क्यों नहीं कहेगा? मैं कह रहा हूँ, मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, रतनपुरा खंड में पता कर लीजिए जाकर अधिकारियों के पास, जितना आवास का जितना मैं पर्ट लिखता हूँ, पीडीओ सीडीओ से पूछिए। मैं कहता हूँ कि आप जांच करो, जो लीगल हो वो पात्र लगा करके ऑनलाइन करो, क्यों नहीं मिलेगा? नेताजी सवाल यह है कि लोग प्रधान जी कहते हैं कि हम कहां किस व्यवसाय पर करें, इस समय तो पूरे जिला का जीरो हो गया, आप प्रधान जी चाह करके भी नहीं चढ़वा पाते हैं उस पात्रता की सूची में, फिर आप लोग जानते हैं ना कि इस समय जीरो है, जानते हैं कि नहीं? देखिए, मांग करना आपका दायित्व है, मांग करना आपका काम है, अच्छी बातों को पहुँचाना ऊपर तक आपका काम है, वहां से हो न हो अलग का विषय है, आप सही काम करिए, सही रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। ये महाराज गर्व होना चाहिए, अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, अब जिसको जो है कभी सपना में सोचे नहीं थे, 500 वर्ष हमारा देश जो है पीछे गया। गरीब लोग कह रहे हैं केवल ये बीजेपी सरकार सपना दिखा कर हमको सुला देती है। सपना? ये महाराज अयोध्या के लोगों से नहीं पूछे हैं कि जो राम मंदिर का बन करके पूरा राममय पूरा प्रदेश हो गया है, 370 धारा खत्म हुआ, कश्मीर के लोगों से नहीं पूछे हैं? यह विकास नहीं है? रतनपुरा रेलवे स्टेशन पर चले जाए, और रेलवे स्टेशन देखिए विकास नहीं है? पूर्वांचल एक्सप्रेस पर चले जाए, ये विकास नहीं है? गांव में चले जाएंगे, हर घर शौचालय बना हुआ है, इज्जत घर बना हुआ है, ये विकास नहीं है? नेताजी आप लोग केवल विकास की बात करते हैं, अच्छे ट्रेनों पर आए, डिलक्स बसों में बैठ जाते हैं, डिलक्स ट्रेनों में बैठ जाते हैं, तो केवल आप लोगों को वही दिखाई देता है क्या? जो गरीब लोग रोड पे सोते हैं बिन चादर के, बिन बिछाने के, आप लोग नहीं देख पाते? मेरे भाई, यह जीवन केवल राजनीति करने वाले लोग सोचते हैं, काम करने वाले लोग कभी बेरोजगारी के पीछे जाने का काम नहीं करते हैं, काम करने वाले कभी रोते नहीं हैं, रोने वाले हमेशा रोते रहेंगे। फुटपाथ पर सोते हुए देखे हैं कि नहीं नेताजी गरीबों को? किसको हमने देखा है? आज भी मैं देखे हैं जो असहाय हो, जो जिसकी मानसिकता गलत है, जो गलत मानसिकता के हैं, नहीं तो आज तो कहेंगे इतना रोजगारी है, इतना काम है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपने गाँव में खोजिए ना, कोई मजदूर नहीं मिला है? सरकार कैसे मजदूर मिलेगा भाई? आपकी संस्था है, आपकी सरकार केवल 213 रुपया मजदूरी देके 6 घंटा कटाएगी कटाएगी, फिर वो जाएगा कहाँ भाई? जाएगा वहाँ प्राइवेट में ना। मेरे मीडिया के भाई, सरकार चाहती है कि गरीबों का उत्थान हो, मायावती की भी सरकार रही है, अखिलेश और मुलायम जी की भी सरकार रही है, ऐसा नहीं है कि मोदी और योगी जी की, लेकिन आज गरीब के दिल से पूछेंगे तो गरीब का आत्मा खुश है, और वह यह इसलिए खुश है कि गुंडागर्दी नहीं है, जितना जो बाह चला लोग कह रहे हैं नेताजी गुंडागर्दी तो है पर उतना नहीं है, लेकिन गरीबी तो इतना तेज है कि कहाँ है मेरे भाई, कहाँ है? काम करने वालों को कहाँ? कहा जाता है कि बात बात में, समझ रहे ना, बात से ही बात कुछ नहीं हो पाएगा, काम कर। नेताजी आप अनुसूचित जाति के महामंत्री प्रदेश मंत्री हैं, आप अपने जाति में आप अपने हित में कितने लोगों को आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे लोग प्रसन्न हैं? अब तो आ गया है महासंग्राम, ये लोकसभा चुनाव का पूरे भारत में संग्राम चल रहा है, महासंग्राम ये इसको लेकर के लोकसभा चुनाव को, आप भी जाएंगे अपने परिवार में, अपने जाति में, अपने भाई में, जिस जाति के आप प्रदेश महामंत्री हैं, फिर आप जाएंगे तो क्या जवाब रहेगा आपको वोट मांगने का, वोट लेने का? या इसके माध्यम से अपने लोगों को मैं बताना चाहूंगा और सीख देना चाहूंगा। अभी ओम प्रकाश राजभर जी का उदाहरण आप लोगों के सामने, उसके समाज के पीछे उसके ताकत है, और वह ताकत ही उनको कुछ भी बुलवा देती है, तो उनके समाज के लोगों की देन है। आज मेरे समाज क्यों पीछे है, क्यों जो है किसी से वंचित हो जा रहा है? कहीं वो नेता खोजता है, उनको तो कहते हैं कि बड़े बोलपन है वो। कौन? तो बुलाने का कौन काम करता है? उसका समाज बुलवाता है, उसके पीछे समाज बड़े बोली बोल देते हैं वो। नहीं ठीक है, बोलना चाहिए कुछ बोल देते हैं। ठीक है, वो नेता का क्वालिटी होता है, नेता का एक जज्बा होता है। चलिए आप जवाब क्या देंगे? अपने वोटरों के पास जाएंगे, वोट बटोरेंगे और मजबूत करेंगे आप SSB जी का, तो फिर आप जाएंगे जवाब का? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, नेताजी आप जाएंगे अपने परिवार में क्या जवाब देंगे, अपने लोगों में क्या जवाब देंगे जिसके आप प्रदेश महामंत्री? हमारा समाज जानता है, क्या जानता है? प्रदेश से लेकर केंद्र तक मैंने कितना शासनादेश पाया, बार घूमते हैं नेताजी, मैं समाज के लिए लगा रहता हूँ।
अभी मधुबन का एक हमारा जिला का उपाध्यक्ष मुन्ना गौड़ पूछिए, मैंने रात में फोर्स भेजवा करके उसका मदद करवाया। आज भी मैं भी कहता हूँ, अभी कभी फोन करिए तो, जो लीगल फोन करिए। परसों जो है होली था, बगल में जो है कई लोग इकट्ठा होकर के शराब पी रहे थे, मैंने फोर्स भेजवाया यही मधुबन में। अच्छा, अभी तक नेताजी आप गोड़ भाई का और खरवार भाई का जाते प्रमाण पत्र नहीं, इससे लोग बड़े परेशान है। अधिकारी चाह रहे हैं, यही रतनपुरा खंड में मैंने बहुत कई हजारों प्रमाण पत्र बनवाया, आज ही मैं जिला अधिकारी मऊ से मिला हूँ। 8 महीने तक यही तहसील मऊ में धरना दिए है आपके परिवार ये गोड़ समाज के लोग, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुआ, आज तक वो लोग जात प्रमाण से वंचित है। आप यह बताइए, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी, इसलिए नहीं बन रहा है। प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए कितने लोगों को लेकर के? नहीं यार, मेरे मैं तो कहता हूँ, अरे मुझे भी इकट्ठा करो ना। कौन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता था? कौन भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे वही बनेगा। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से काम लेंगे? ये धमकाने वाली बात नहीं, ये धमकाने वाला का विषय है। आप हमारा विरोध कर रहे हैं, हमसे काम लेना चाहते हैं, कह रहे हैं आप डरवा रहे हैं? नहीं डरवा नहीं, ये गलत विषय है तो बताइए, हम आपके साथ हैं। कभी भी मेरे भाई बैठे हैं, कोई कह दे, एक बार भी फोन करते हैं, हम ना उठाते हैं तो बताइए, पैरव भी न करते हैं तो बताइए। जात प्रमाण पत्र कहे नहीं बना है, जात प्रमाण पत्र बन रहा है, बनेगा। किसी की औकात नहीं है कि गोड़ और खरवार का प्रमाण पत्र न बनाए, अधिकारी की औकात नहीं है। अधिकारी नेताजी आप तो कई 2 साल पहले से मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ जिलाधिकारी गोड़ों के घर जाके प्रमाण पत्र बनाएगा, खरवारों के घर जाके प्रमाण पत्र बनाएगा, उसकी औकात अभी भी वोट के पहले। अरे मेरे भाई, मैं कह दीजिए ऑनलाइन कराए ना, अभी नहीं बनाता है तो एक बार मुझे कहिए, उसे मिलते हैं। मैं गांव-गांव में घूमते हैं तो लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि हम लोग तो जात, मेरा जात तो का पहचान तो है ही नहीं, इसलिए जात प्रमाण पत्र बनता है। कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार की यदि गुण और खरवार हो, जो अपना जो भी लीगल शासनादेश कहता है, शासनादेश के अनुसार काम करिए। यदि कोई अधिकारी इधर उधर हवाला करता है तो आप वहाँ 100 लोगों की संख्या लेकर बैठ जाइए, अभी नहीं सुनता है तो एक बार मुन्ना खरवार को फोन कर दीजिए, अभी उसका जो अभी उंगली दिखाता है, उंगली न कटवा दूंगा तो फिर राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, ऐसे ऐसे महाशय से, ऐसे ऐसे नेताजी से मुलाकात कराते रहेंगे, लेकिन ये जो बात कहे खरवार बंधु लोग और गोड़ भाई साहब लोग, आप लोग इस बात को दिमाग में रख लीजिए, नेताजी क्या कहे हैं। अब बज गया है बिगुल, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज गया है, महायुद्ध होने वाला है। अब यही नेताजी जाएंगे आपके घर और कहेंगे कि आपके हित की बात, आपके हक की बात मैं करता हूँ। नेताजी को आप लोग पहचान लीजिए इस वीडियो स्क्रीन पर। अब जाएंगे तो आप लोग किस प्रकार की जवाब देंगे जिससे आप लोग संतुष्ट हो जाएं? और नेताजी तो अपनी बातें कहे हैं कि भाई बनना शुरू हो गया है जात प्रमाण पत्र, लेकिन 2 साल से लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अभी तक किसी गोड़ भाई का, किसी खरवार भाई का जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। बन रहा है नहीं, हम नहीं बनेगा। अरे नहीं बन रहा, नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, बन ही नहीं रहा। अधिकारी कह देता है कि गोड़ और खरवार का प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, उस दिन मैं समझा दूंगा। रहेगा नहीं, लेकिन बना ही नहीं रहा है। मैं कहने से आप शासनादेश के अनुसार कागज जमा करिए, यदि कोई चाहे तहसीलदार हो, लेखपाल हो, एडीएम हो, डीएम हो, यदि किसी प्रकार का हवाला देकर। चलिए, अब बातें ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे नेताजी को आप लोग पहचान जाइएगा, अगर जाते हैं आपके दरवाजे पर तो इनका सादर और खातिर आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि जात प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। फिर नहीं बन रहा है की बात कर रहे हैं।